वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। सो आज हम देखने आए हैं कार अपनी फैमिली के साथ। फैमिली के साथ आए हैं। अपने को दो कंफ्यूजन है, या तो ब्रेजा लेनी है या नेक्सॉन लेनी है। चलो पहले हम टाटा में आए हैं, देखते हैं क्या कुछ डिफरेंस है। चलो देखते हैं। खड़ी है डार्क एडिशन, एक काजी रंग एडिशन खड़ी है, बाहर रेड कलर की खड़ी है। एल्ट्रोस, टियोर, पंच, डिएगो। भाई इधर शोरूम में तो खड़ी नहीं, XMS वेरिएंट अपने को लेना है। आज संडे है तो स्टाफ वगैरह भी नहीं है, तो इधर के भैया कह रहे हैं स्टॉक यार्ड में खड़ी है, चलो उधर देखाते हैं। तो चलो उधर देखते हैं। और यार 3-4 महीने की वेटिंग बता रहे हैं, अपने को चाहिए महीने बाद ही। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं। ये देखो भैया, चलो ये है स्टॉक यार्ड, बड़ा ही खूबसूरत है। खड़ी है एल्ट्रोस, खड़ी है, खड़ी नहीं भाई नेक्सॉन एक्स में भी है वो रंग। वाह एरियर खड़ी है, मम्मी एरियर खड़ी है, लेके दे दो। वो खड़ी ब्लैक, वो खड़ी ब्लैक, ये खड़ी भाई नेक्सो XMS है। इस पर पीछे बैजिंग नहीं होती क्या? बस नेक्सॉन की बैजिंग। ऐसे दिखती है भाई ये स्टॉक यार्ड में खड़ी है। हमने स्टॉक यार्ड में कार तो देख ली है। स्टॉक यार्ड वाली कार्स की ना ट्राई नहीं लेने देते ये लोग, तो अब एजेंसी में ना टॉप मॉडल खड़ी हुई है कार, और उसका फिर हम अब ट्राई लेने जा रहे हैं, देखो कैसी लगती है। हम पहुंच गए हैं एजेंसी में। गाइस आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों को कौन सी कार, थोड़ा हमारे को सजेशन दो यार कौन सी लें हम, टॉप लें, XMS लें, बताना सब कुछ बताना, देख के ठीक है। मारुति सुजुकी में और हम ब्रेजा देखने आए हैं, चलो देखते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उनके पास डीजल खड़ी थी तो उसकी ट्राई ली। सही बताऊँ मेरे को तो मज़ा आया नहीं डीजल में, नेक्सॉन के उठाओ नहीं है गाड़ी में बिल्कुल भी, ऐसे दब दब के चल रही है। अपने को बाकी लेनी पेट्रोल है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नहीं दबेगी। 1.2 लीटर में टर्बो है वो नहीं दबेगी। इधर साग हो रही है, इधर मारुति में ब्रेजा देखते हैं, इन दोनों में कंफ्यूज है। चलो फिर बताएंगे कौन सी लेनी है। भाई अब आए हैं आपा मारुति के नक्शा के शोरूम में, अपना इधर बलेनो देखते हैं क्या कुछ है, फिर बताएंगे आपको ठीक है। चलने में बढ़िया, नेक्सॉन की भी ट्राई ली है ना, इसका ज़्यादा नेक्सॉन आपने डीजल में चलाई थी ना, प्रीमियम लुक है इसकी।